Topic number 17.2 is components of computer based information system. सो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम किसी भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं. ठीक है, डेटा रिसीव हो सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है. ठीक है, तो अब हम क्या चाह रहे हैं? हम ये सारे वर्क्स परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं अंडर अ सिस्टम, बट उस सिस्टम में कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ये तमाम काम हो सकेंगे. ठीक है, जिस तरह आपने अगर किचन में काम करें, ठीक है, किचन लेट सपोज आपका एक सिस्टम है, आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपकी आउटपुट होगी, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ईच एंड एवरीथिंग उसके लिए रिक्वायर होगी, ऑयल जो भी आप पकाना चाह रहे हैं, लाइक मीट, वेजिटेबल्स, कुछ भी, एंड जितने भी आपके सॉल्ट, पेपर्स वगैरह आ जाएंगे, तो उनके वो तमाम चीज़ें क्या हैं? वो एक आपको ऑथेंटिक पाथ प्रोवाइड करें जिसके बिहाफ पे आप अपनी कुकिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, सो इसी तरह से हमारा सिस्टम जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम ये तमाम काम चाह रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए. ठीक है, कि ये काम हम किस में कर सकें? तो बेसिकली हम ये तमाम काम करते हैं कंप्यूटर में. ठीक है, सो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में हम किसी भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं. ठीक है, क्या करते हैं कंप्यूटर जब हम लोग उसको इनपुट दे रहे होते हैं? बेसिकली वो रिसीव कर रहा होता है, देन सीपीयू जो है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, तो उसी ने प्रोसेस किया. ठीक है, देन क्या होता है, हमें आउटपुट शो होती है, तो वो भी क्या है कि कंप्यूटर हमें आउटपुट शो करे. तो ये तमाम काम जो हैं वो हो रहे होते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम ब्लूटूथ यूज़ कर लेते हैं, यूएसबी यूज़ कर लेते हैं, ईमेल वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये तमाम काम किसी एक चीज़ के अंडर हो रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द कंप्यूटर. सो अब हम उस कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन पे तमाम जो हम लोग बातें कह रहे हैं उनको अप्लाई करके हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स किस तरह के हैं? हमारे कंपोनेंट 5 हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं. नंबर 1 इज हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है कि जिस तरह हम जस्ट हार्ड का वर्ड ही देखें तो ये क्या है कि सॉलिड फॉर्म. ठीक है, सॉलिड फॉर्म जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, तो वो क्या आ जाती है? वो हमारी हार्डवेयर आ जाती है. ठीक है, तो हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर लैंग्वेज ये मशीनरी पार्ट्स हैं. ठीक है, ये मशीनरी पार्ट्स हैं जिसके थ्रू आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो. लेट सपोज अगर हम लोग डेटा एंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड चाहिए होगा, देन माउस जो है वो भी क्लिक करता है, इट मींस आप उससे इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, माउस. ठीक है, देन आपका सीपीयू जो है वो ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, और इसका बेसिक पर्पस ही क्या होता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको वो उस चीज़ पे प्रोसेस करे. ठीक है, उसको पूरा एनालाइज करे, उसको इकट्ठा करे, कंपाइल करे, उसके अकॉर्डिंग आपको देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. ठीक है, तो ये भी क्या है? सीपीयू भी आपको हार्डवेयर में नज़र आता है, यानी आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, पकड़ सकते हो, तो वो क्या आ जाता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट आ जाता है. ठीक है, एंड क्योंकि सीपीयू ने सारी प्रोसेसिंग डेटा पे करनी होती है, इसी वजह से ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद होना लाजमी है. ठीक है, इसी तरह से अगर आप आउटपुट चाह रहे हो तो आपको आउटपुट किस पे मिलेगी, या इनपुट जब आप एंटर कर रहे होते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है? मॉनिटर के थ्रू. ठीक है, देन ये तो आपने काम किया सिर्फ डेटा एंटर. ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रिसीविंग. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अगर आप उसको ट्रांसमिट भी करना चाह रहे हो तो आपको डिफरेंट और हार्डवेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे. उन हार्डवेयर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? लाइक यूएसबी. ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है हार्डवेयर. इसी तरह से हमारे पास और डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनको आप डेटा ट्रांसफ़र
करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें हेल्पफुल होता है, दैट इज द हार्डवेयर्स। हार्डवेयर बेसिकली मशीनरी पार्ट्स हैं। मशीनरी पार्ट्स में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं, डेटा को रिसीव भी करते हैं, डेटा पे प्रोसेसिंग भी करते हैं, डेटा आउटपुट भी देते हैं एंड डेटा ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर। सेकेंड कंपोनेंट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है कि ये कोई ना कोई कोडिंग होती है, कोई ऐसी चीज़ जो कि सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है, आप उसको खुद से जो है पकड़ नहीं सकते। ठीक है, आप नो डाउट उसको देख रहे होते हो बट आप उसको पकड़ नहीं सकते। लाइक वर्ड्स जो हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट है, जिस तरह ये एस सॉफ्टवेयर ही लिखा है, इस एस को पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है, वो चीज़ जिसको आप पकड़ सकते हो। लाइक अगर मार्कर की बात करें तो ये हार्डवेयर है क्योंकि इसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, इसको ये हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग वगैरह को कहते हैं जिसके बिहाफ पे हमारे तमाम जो है ना फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह के इंस्टॉल हुए होते हैं। जो कंप्यूटर है बेसिकली उसकी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, उसकी C++, जावा, इस तरह की उसकी लैंग्वेजेस हैं जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इजीली, उसको सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो हम कंप्यूटर को कैसे बता सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप जो है इंग्लिश बोलते हैं और कोई किसी जो है पठान के पास आप चले जाएँ, वो पश्तो बोल रहा है, आपको उसकी समझ नहीं आएगी जब तक आप उसकी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, या वो आपको तब तक नहीं समझा सकता जब तक वो आपकी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। तो क्या होता है कि लैंग्वेज को जो है कंपाइल करने के लिए, लैंग्वेज को एक तरह का करने के लिए, ताकि दोनों पर्सन्स को फैसिलिटेट किया जा सके, क्या करना पड़ता है, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्सन एक होगा एंड सेकेंड वन इज़ द कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो डेटा एंटर कर रहे होते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में एंटर करते हैं। ठीक है, अब वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उस तक शिफ्ट करने के लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेना पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उस डाटा को अपने कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सारा सेट कर लेते हैं जो कि फर्दर कंप्यूटर रीड कर सकते हैं। ठीक है, देन जब उसके ऊपर CPU प्रोसेस कर देते हैं, सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो क्या होता है, वो अब हमें अगेन मिलना होता है, वो उस पर्सन के पास आना होता है। ठीक है, तो अब उस कंप्यूटर लैंग्वेज को पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो अगेन क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ही उसको डिकोड करता है। ठीक है, इसको इनकोडिंग कहते हैं, जो यहाँ से इनकोड एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग के थ्रू जो हमने अपनी लैंग्वेज में एंटर किया होता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं सॉफ्टवेयर्स, और जो कंप्यूटर लैंग्वेज से अगेन ह्यूमन लैंग्वेज में आ रहा होता है या जो आपने लैंग्वेज उसमें दी है उस तरह से आ रहा होता है, वो डिकोडिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकते हैं और कंप्यूटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे तमाम काम जो है अबाउट इंफॉर्मेशन हो रहा है, अराउंड द इंफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में हेल्पफुल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेटा। अब डेटा क्या है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, जिन पे हम प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डेटा क्या है कि जो भी हम उसको बात दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को, लेट सपोज आपने कोई भी असाइनमेंट सर्च करनी है, आप क्या करते हैं, आप उसको जस्ट कीवर्ड्स दे देते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप लेक्चर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑन इसी टॉपिक पे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, तो आप क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब वो जब एंटर किया, अब क्या होगा, वो डेटा था जो आपने उसको बताया, अब उसके ऊपर पूरा एनालिसिस हुआ और उस डेटा के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन बाकी लोग नेट पे डाल चुके हैं वो आपके सामने आ जाती है। ठीक है, लाइक गूगल, विकिपीडिया, वो क्या होते हैं कि आपने जस्ट कीवर्ड्स एंटर किए होते हैं और जितने लोग उस चीज़ पे काम परफॉर्म कर चुके होते हैं, जितना भी डेटा नेट पे अवेलेबल होता है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली डेटा क्या है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो और कंप्यूटर उस चीज़ को एनालाइज करके आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, लेट सपोज अगर आप कहते हैं कि आप डेटा एंटर ही नहीं कर रहे,
तो कंप्यूटर ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि वो आपको खुद ब खुद ही सारा कुछ बताना शुरू कर दे, या वो ऐसा नहीं है कि आपके जो माइंड में चल रहा है उस चीज को रीड करके वो खुद ब खुद आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंप्यूटर जो है बेसिकली एक रोबोट है, और उस रोबोट को आपको इंफॉर्मेशन, उसको डेटा देना पड़ता है ताकि वो जो है अपनी डिफरेंट वर्किंग, जो डिफरेंट फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो डेटा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी चीज़ को, हमारी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ईच एंड एवरीथिंग हमारी बेकार होगी अगर हम लोग डेटा ही नहीं एंटर करेंगे। तो जैसे ही डेटा एंटर करते हैं देन ही हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि डेटा जो है बेसिकली वही रिसीव किया जाता है, उसी पर वर्किंग होती है, उसी को ट्रांसमिट किया जाता है। सो डेटा इज़ मच मोर नेसेसरी फॉर दैट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? लेट सपोज हम कोई भी काम करने लगे, अब हमारे पास मैथ का एक क्वेश्चन ले लें, ठीक है। अब मैथ के एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरह के तरीके हैं, ठीक है, तो आप दोनों को ट्राई कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, दो जो हैं फॉर्मूलाज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करें सेम आंसर आता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो बेसिकली वो मेथड क्या है, वो एक प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है कि प्रोसीजर्स वो जो है पूरी के पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका तमाम काम जो है वो परफॉर्म होता है। लेट सपोज अगर हम मैथ के रूल्स देखें तो हमारे पास इस तरह से आ रहा हो कि ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस, ठीक है। तो हमें पता होता है कि जो चीज़ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये नो डाउट यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट्स हैं बट उस स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर भी राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर लेट सपोज यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो उसके भी डिफरेंट तरह के रूल्स हैं कि आपने किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है या पहले डिवाइड करना है, तो वो सारा एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर आपका तमाम जो है वो काम हो रहा होता है। इसी तरह से जब आप कोई डेटा एंटर करते हो उसको एक रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर के रूल्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो कर रहे हो तभी आपका जो है डेटा वो आगे प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। लेट सपोज अगर आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं इन एनी सॉफ्टवेयर लाइक सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस में, सो सब में क्या होता है, सबका एक अपना मेथड है, ठीक है। अगर आप उसमें उस मेथड से नहीं काम करते तो वो आपको कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम जो है वो उसको देखें, हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें डेव में क्या होता है कि हमने जो भी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक वर्ड लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। नो डाउट ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है बट जस्ट एज एन एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या होगा, एंड इसके बाद मेन का फंक्शन आ जाता है एंड उसके बाद बाकी तमाम जो है वो बॉडी ऑफ द जो लूप है वो रन करता है, ठीक है, वो आपने लिखना होता है। अब अगर हम सिर्फ एक ये लाइन के बात करें तो डेव जो है उसमें ये लाइन लिखना मस्ट है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर था। लेकिन अगर आप C++ को देखें तो उसमें ये चीज़ नहीं लिखी जाती, ठीक है। उसमें डायरेक्ट मेन के फंक्शन के बाद आप जो भी आपकी कंडीशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आप वो एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम अपना डेटा एंटर करते हैं, देन उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है जिसको हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। सो प्रोसीजर्स का होना मस्ट है, उसके बगैर तो आप समटाइम ऐसा होता है कि आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो और उसका प्रोसीजर ही आपको नहीं पता, तो वो आपको कभी भी आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो ये था हमारा फोर्थ वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर जो कि नेसेसरी है फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इन सबसे भी ज्यादा नेसेसरी है एक पर्सन का होना, ठीक है। हम अभी तक बात करते आए हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, ठीक है,
हार्डवेयर की बात की, सॉफ्टवेयर्स की बात की, डेटा की बात की, प्रोसीजर्स की बात की, ठीक है। बट अबव ऑल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? पर्सन, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। मशीन भी एक ऐसी है जो मैन मेड है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए भी सबसे पहले कौन चाहिए था? पर्सन चाहिए था। एक पर्सन नहीं उसके हार्डवेयर बनाए, पर्सन ही है जो उसके सॉफ्टवेयर्स बना रहा है, पर्सन ही है जो उसके अंदर डाटा एंटर करे। लाइक जो भी गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं तो जितने लोगों ने उसके ऊपर अपनी रिसर्च डाली हुई है तो वो क्या हैं? वो भी पर्सन्स हैं। प्रोसीजर्स जो हैं, मेथड्स, रूल्स, किस तरह फॉलो करके आपने अपना डाटा एंटर करना है, किस तरह प्रोसेसिंग होगी, तो वो भी किसी पर्सन के थ्रू है। तो अगर पर्सन नहीं होगा तो कंप्यूटर बेकार है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा जब तक आप उसको कोई चीज़ जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। या कोई बनाने वाला नहीं था तो कंप्यूटर नहीं बना था, ठीक है। तो कंप्यूटर को, कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स बनाने के लिए, कंप्यूटर को बनाने के लिए किसी ना किसी पर्सन की हेल्प चाहिए थी, ठीक है। पर्सन ने ही इन तमाम चीज़ों को बनाया। अब पर्सन ही है जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लाइक हम जैसे लोग हैं, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, फ़ौरन से पहले गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो पर्सन नहीं होगा तो कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकेगा, तो बाकी लोगों के काम करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले पर्सन हमें इसलिए चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को बनाए, ठीक है। फिर हमें पर्सन इसलिए चाहिए कि जो काम हो चुका है उसको आगे से कोई इन्फॉर्मेशन उस बंदे से ले, गेन करे, ठीक है। तो हम उसे गेन करते हैं तो ऑब्वियसली पर्सन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंप्यूटर खुद से इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देगा, ठीक है। थर्ड क्या है? पर्सन ही है जो के बाद में इनमें एरर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि फिजिक्स में ही कुछ थ्योरीज आई जिनको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो हर काम जो आप करते हैं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पर्सन ज़रूर खड़ा हो जाता है। तो जो है यहाँ पे भी अगर हम किसी चीज़ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ पे इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी कोई ना कोई पर्सन क्रिएट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से बढ़ के एक पर्सन की अहमियत है जिसने उस कंप्यूटर को पहले तो बनाया। और पर्सन ना हो तो बाकी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जितनी मर्जी डालते जाएं तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं होगा। तो पर्सन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो ये थे हमारे 5 कंपोनेंट्स जो कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए मस्ट हैं।